नमस्कार महाराज। आज शुभागमन स्पेशल वसुधा पैराडाइज सेगमेंट हम बनाने जा रहे हैं आज अलियफनी। तो आज देखते हैं अलियफनी कैसी बनती है। इसको दूधी या लौकी की यखनी भी बोलते हैं। यखनी मींस दही। कम तो दही वाली दूधी या अलियखनी बनाने के लिए हमारे पास है सौंफ पाउडर, थोड़ा सा ड्राई जिंजर पाउडर, सौंठ पाउडर भी इसे बोलते हैं, नमक, ये चावल का आटा लगभग 3 चम्मच, जीरा, तेज पत्ता, थोड़ी सी हींग, और हमारे पास है दही। और हमने लौकी को या दूधी को गोल गोल राउंड राउंड, लंबी वाली जो दूधी होती है उसको राउंड राउंड पीसेस में काट के रख दिया है। इसकी मोटाई लगभग आधे इंच की है। अब हम इनको करने जा रहे हैं फ्राई। तो गाइस हमने कढ़ाई में ले लिया है तेल, और इतना तेल लेना है एटलीस्ट ये जो हमारी लौकी है, दूधी है जो हमारी है वो फ्राई करनी है हमको। तेल मैंने पहले ही गैस ऑन कर दिया था, थोड़ा इनको लाइट ब्राउन फ्राई करना। फ्रेंड्स बीच बीच में ना अल को हिलाते रहें, बिकॉज ये जो है नहीं तो नीचे चिपक जाएगी, ठीक है। और इसको जो है, क्योंकि हमको बिल्कुल भी रेडिश नहीं आना चाहिए ये कलर, इसमें थोड़ा लाइट लाइट कलर आना चाहिए, इसलिए हम बार बार उसको टर्न करते जा रहे हैं। ये देखिए अल हमने फ्राई करके निकाल दी है। अब हम साइड में ये जो है ग्राइंडर में, जूसर में और मिक्सर में, आप किसी में भी ले सकते हैं। मैं लगभग आधा किलो दही ले रही हूं, ये एक मीडियम साइज दूधी थी। आधा किलो दही में हम लोग 2 चम्मच सौंफ पाउडर, थोड़ी सी ड्राई जिंजर पाउडर, और इसमें हम ये चावल का आटा 3 चम्मच भी डाल देंगे साथ में, लगभग 1 चम्मच नमक, और इसको अब ग्राइंड कर लेते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा पानी भी इसमें मिला लेते हैं। अब इसको हम कर लेंगे ग्राइंड। ग्राइंड करने से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो एक्स्ट्रा ऑयल गाइस हमने निकाल दिया है, और लगभग आधी कड़छी ऑयल में हम लोग थोड़ा सा जीरा डालेंगे और ये तेज पत्ता डाल देंगे साथ में, और इसको हल्का सा भून लेते हैं। जीरा को हमने ये तेज आंच पे ही रखे, जीरा भून लेते हैं अच्छे से। लेट द जीरा स्प्लटर, थोड़ा स्प्लटर हो जाएगा तो तब तक वेट करते हैं। गाइस जीरा भुन रहा है, थोड़ी सी हींग भी डाल दें इसमें, चुटकी भर एकदम, ठीक है। अब ये जो हमने दही और सौंफ पाउडर का मिक्स बनाया था, और ये हम इसमें डालेंगे। जैसे जैसे डालते जाएंगे साथ साथ हिलाते भी जाएंगे, उससे क्या है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और दही फटेगा नहीं हमारा दही। ये देखिए पूरा मिक्सचर हमने डाल दिया है, इसमें लगभग 1 कटोरी पानी भी डाल देंगे और हल्का सा बॉयल आने देते हैं इसको। थोड़ा गर्म हो गया है, भाप निकलने लगी है। अब साथ में ही इसमें ये जो अल है हम लोग लौकी साथ में डाल देंगे। अब अल हमने डाल के अब इसमें 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख दें मध्यम आंच। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो गए हैं, गैस कर लेते हैं बंद। ये देखिए हमारी अलियखनी मस्त मस्त एकदम गाढ़ी वाजे का जैसे ये अलियखनी का कलर आया है। लुक एट दिस। और अल भी पूरी गल गई। अगर आपको चेक करना है
कि अली कैसे गल गई है, तो जस्ट थोड़ा सा प्रेस करके देखें एट द कॉर्नर, ठीक है। ये देखिए आप इसको गर्मा गर्म आप खा सकते हैं राइस, स्टीम राइस के साथ। तुम्हारा अर्ज करो एंजॉय ये मजेदार मजबलाए अली आखिरी बतस गर्म गर्म बतस सीते। प्लीज लाइक कर जाओ, सब्सक्राइब कर जाओ, पनिशरिस करियो सपोर्ट, सो दैट्स सो है कि रोड खून पके तुम्हारा। चलो वेट करियो मेरे नेक्स्ट वीडियोस ताने, तो टाइम नमस्कार।